नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, महानायक अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में जब वह अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली थी और इस फिल्म का नाम था बॉम्बे टू गोवा। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन एस रामनाथन ने किया था और इस फिल्म का निर्माण NC CP और मशहूर कॉमेडियन महमूद ने किया था। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग ने अमिताभ बच्चन के पसीने छुड़ा दिए थे। दरअसल उस दौरान अमिताभ बच्चन नए नए थे और कोई भी मार्केट की हीरोइन उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी, तो उस समय पर अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने उनका साथ दिया था और इस बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अरुणा ईरानी ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। दरअसल जहाँ तक अभिनय की बात है तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक सीन बड़े आराम से निकल रहे थे, लेकिन बात आकर अटक गई थी गाने को लेकर। और इस फिल्म में बाकी गानों के अलावा एक गाना था, देखा ना हाय रे सोचा ना, तो इस गाने में महमूद चाहते थे कि अमिताभ बच्चन गाने के साथ डांस भी करें, लेकिन अमिताभ बच्चन को डांस करना नहीं आता था। तो इस गाने की शूटिंग के दौरान कई सारे रिटेक देने पड़े, फिर भी यह गाना पूरा नहीं हुआ। तो इस गाने की शूटिंग के दौरान जो गाने का धुन था उससे अमिताभ बच्चन के स्टेप्स मैच नहीं हो रहे थे, तो इस गाने को फिल्माते समय अमिताभ बच्चन को ऐसा महसूस भी हो रहा था कि लोग इनके डांस को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं और यह काफ़ी हतोत्साहित भी हुए। तो महमूद ने यह सारा मांजरा समझते हुए अमिताभ बच्चन से कहा कि आज हम इस गाने की शूट नहीं करेंगे, अब कल देखा जाएगा, सो तुम जाओ और आराम करो। तो अमिताभ बच्चन से इस गाने पर ठीक से डांस नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर वह काफ़ी दुखी भी थे और वह इतने परेशान हो गए कि उन्हें रात में बुखार भी आ गया था। तो अगले दिन जब इस गाने को लेकर जब शूट शुरू होने वाला था तो महमूद ने सभी को हिदायत दे रखी थी कि अमिताभ बच्चन चाहे जैसे भी डांस करें उनका हौसला अफजाई करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्टर की उसकी तारीफ ही उसकी खुराक होती है और वही उसका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ा सकता है, और वह चाहे जैसा भी डांस करे आप लोगों को तालियां बजानी है। तो फिर से अगले दिन जब इस गाने का शूट शुरू हुआ तो अमिताभ बच्चन ने पहला शॉट बहुत ही गंदा दिया था। चूँकि महमूद ने पहले से सभी टेक्नीशियन और आर्टिस्ट लोगों को हिदायत दे रखी थी कि चाहे वह जैसा भी डांस करे उसी के हिसाब से एक एक शॉट लिया जाए और उनका हौसला अफजाई किया जाए और तालियाँ बजाई जाए, तो गाने के हिसाब से अमिताभ बच्चन जो भी उनको समझ में आता था उस हिसाब से वह डांस करते थे, तो सभी लोग तालियां बजाते थे और उनका हौसला अफजाई करते थे। तो यह देखकर अमिताभ बच्चन को अपने आप में एक विश्वास आया और उन्हें लगा कि लोग उनके डांस को पसंद कर रहे हैं, तो सब कुछ भूलकर उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पूरा मूड में उन्होंने डांस किया था। तो बॉम्बे टू गोवा फिल्म में देखा ना हाय रे सोचा ना, जब यह डांस आप देखेंगे तो इस गाने में किसी ने कोई कोरियोग्राफी नहीं की थी, यह अमिताभ बच्चन का अपना खुद का डांस था जिन्होंने गाने के धुन के हिसाब से डांस किया था। और इस फिल्म का बाकी गानों के अलावा यह गाना काफ़ी हिट रहा और उनके डांस के स्टेप्स को भी काफ़ी पसंद किया गया। दोस्तों, यह बॉम्बे टू गोवा फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म सुपर हिट रही थी। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अरुणा ईरानी के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, महमूद और उनके भाई अनवर प्रमुख भूमिका में थे। धन्यवाद।